जिस बात को जॉन ने कहा ऑन स्क्रीन, अपनी वही बात उन्होंने जूम पर एक्सक्लूसिवली दोहरा दी। It's gonna be the anthem, this song, Leela. It's gonna be the anthem, this song, Leela. जॉन ने रिवील कर दिया है कि उनकी फिल्म की दो दो आइटम क्वींस में से आखिर वो कौन है जिसने लूट लिया है उनका दिल। प्रियंका चोपड़ा के फर्स्ट एवर आइटम नंबर बबली बदमाश से बढ़ जाती है उनके दिल की धड़कन, या फिर किसी लैला के नाम पर धड़कता है उनका दिल, तो जॉन का जवाब है कि वो कोई देसी गर्ल नहीं बल्कि वो तो है एक विदेशी गर्ल। तुषार एंड मी वर द बिगेस्ट प्रमोटर्स ऑफ दिस सॉन्ग, वी वर द बिगेस्ट प्रमोटर्स, टू ऑफ अस, या व्हेन आई थिंक एकता आल्सो वाज लाइक व्हाट डू वी डू, तुषार वाज एक्चुअली, तुषार एंड मी बोथ, एकता सिंह, हाउ यू एंड तुषार थिंक लाइक ब्रेन वॉशिंग फ्रॉम माय साइड, ही वाज टेलिंग इट फ्रॉम हिज साइड। जी हाँ, शूट आउट एट वडाला के सॉन्ग में लैला की जिस अदा पर फिदा दिख रहे हैं जॉन इब्राहिम और तुषार कपूर, वहीं सनी लियोनी हैं इन दोनों स्टार्स की फेवरेट। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं जॉन और तुषार की बात को तोड़ मरोड़ के तो पेश नहीं किया जा रहा, इसलिए अब आप खुद ही सुन लीजिए कि किस बात पर खुद जॉन ने छेड़ा है देसी गर्ल का जिक्र, पर बाद में प्रियंका के आइटम नंबर को छोड़ खुद ही दिखाने लगे लैला की इतनी फिक्र। I have to ask the two of you this question about the song Leela. We just saw it before we came for this interview and it's a rage already. Tell us about it. First, tell me one thing. There's Bubbly Badmash and there's the others. But you think Leela's the... Leela is what, John? Jo baat John kehte kehte ruk gaye, wo Tushar ne puri bhi kar di. You're asking about Leela first. No. Huh? Well, अब जॉन और तुषार बबली बदमाश से ज्यादा लैला के दीवाने क्यों हुए जा रहे हैं, ये तो इन दोनों स्टार्स ने हमें नहीं बताया, पर ये प्रिटेंड जरूर किया कि जैसे सनी के सॉन्ग को बेहतर बताने के लिए हमने उनके मुंह में ये वर्ड्स डाल दिए हों। No, no, it's a good way. Yeah, I think Tushar and me were the biggest promoters of the song. We were the biggest promoters, two of us. Yeah, yeah. When I think Ekta also was like, what do we do? Yeah, Tushar was actually, Tushar and me both, Ekta saying, how you and Tushar think I like? I was brainwashing her from my side, he was telling it from his side. Yeah. And Ekta also that, you know, you have to have Sunny for this song and you have to... We thought it's going to be the anthem, this song, Leela. फिर तो लैला सॉन्ग को शूट आउट एट वडाला का एंथम सॉन्ग डिक्लेयर करने के बाद जॉन और तुषार ने लैला का कुछ ऐसा गुणगान शुरू कर दिया कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। Sunny, I mean, more than us, she was clear that she wanted to do this song. Yeah. I think that's the biggest positive that I can think about when you think about the song, is that she was the one who was offered, and when she was offered after that, she kept in touch, she followed up, and she said that, when are we shooting? This goes to show that she's so clear, this is where I fit in, this is what I want to do, and this is why I want to be a part of this film. I remember hats off to her. Said Tushar, the first thing she said was, thank you for allowing me to be a part of this song. I was like, wow. I was like, how do you know that? I mean, do you understand Bollywood music? How do you know that this is going to be a good song, whatever? She loved it. She loved it, yeah. The sound of it. वैसे एक दूसरे की तारीफ करने की ये आग दोनों तरफ लगी है, जहां एक तरफ जॉन और तुषार नजर आ रहे हैं लैला के दीवाने, वहीं ये लैला भी जॉन की कोई कम दीवानी नहीं है। It's such an honor. It's like doing the song is a cherry on my sundae right now, and it's something, like I said, I never imagined I'd be doing, especially next to that guy. यानी जॉन की भी उतनी ही दीवानी लैला है ये लैला, जितने जॉन और तुषार इस लैला के दीवाने हैं। लेकिन अगर आप इसे लैला और बबली बदमाश के बीच की कोई टक्कर समझ रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि जॉन और तुषार के इन कैंडिड रेवलेशंस का ये पूरा चक्कर तो आपको तभी समझ आएगा जब आप न्यूज हेड मधुरिता मुखर्जी के साथ इन दोनों स्टार्स की पूरी मुलाकात देखेंगे। इसीलिए किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले कीजिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।